नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पैसिव को। और पैसिव में हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव। तो पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव पर हमने एक केस हम लोगों ने देखा था, एक कंडीशन, यदि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फाइनाइट वर्ब रहता है, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही इज टू लीव दैट प्लेस, ही इज टू राइट अ लेटर, He is to be to be, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव कर रहे थे, क्या ऑब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब को कॉपी कर रहे थे अकॉर्डिंग टू द पर्सन और टेंसेस को देखते हुए, और टू प्लस वन को हम लोग जनरली कैसे करते हैं, टू बी प्लस थ्री फॉर्म वर्ब का ठठपन, और बाई प्लस एजेंट हमारे पास रहता है। लेकिन दोस्तों इन्फिनिटी में कुछ ऐसे हमारे पास पैटर्न दिखाई देंगे एक्टिव में, जो देयर से शुरू होंगे, और ये थोड़ा कभी कभी आपसे पूछे जाएंगे। जैसे हमारे पास सेंटेंसेस रहेगा, देयर इज नो टाइम टू स्टडी, देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज समथिंग टू लर्न, ओके। तो इस तरह के यदि सेंटेंसेस है हमारे पास, तो हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। पहले पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा, और पैटर्न मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सेंटेंस फ्रेम कर सके। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रक्चर्स को रटे, आप अधिक से अधिक सेंटेंसेस बनाइएगा तो आपको क्या होगा, बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हम बुक का इस्तेमाल कब करते हैं कि चलो मुझे कोई क्वेश्चंस मिल जाता 10-20 और हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्यों, हम लोगों को ऑलरेडी पैटर्न्स पता है, हम क्यों नहीं खुद ही क्वेश्चंस क्रिएट करें और खुद ही उसका आंसर करें। तो ये क्वालिटी आप डेवलप करते हैं तो यू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ बुक्स, ठीक है, आप बुक से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और ये आपको करना ही है, आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा बुक से, जब तक कि आप खुद नहीं। तो आइए पैटर्न से हमारे पास इस तरह से रहेंगे, देयर, उसके बाद फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और इसके बाद हमारा कोई नाउन रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के फॉर्म में, और इस, ठीक है ना, और ये पैटर्न रहेगा टू प्लस हमारा जीवन, और टू प्लस जीवन को तो हम लोग को पहले ही पता है क्या इसको कहते हैं, टू प्लस वी वन इन्फिनिटी में भी दो होते हैं, बेयर इन्फिनिटी और दूसरा फुल इन्फिनिटी। तो फुल इन्फिनिटी वी वन विद टू और बेयर इन्फिनिटी वी वन विदाउट टू, ठीक है ना, ये सारे डिस्कस की गई है। और ये जो नाउन है, यहाँ पर कुछ सर्टेन खास तरह के वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके पास मेंशन रहेगा टाइम, जैसे यहाँ पर आप नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, देयर इज नो टाइम, ठीक है, यहाँ पर एनीथिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है, समथिंग वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास दिए रहेंगे, तो हम लोग पैसिव में कैसे काउंट करते हैं, तो दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब हमको कॉपी कर देना है, और अभी अभी हमने बताया ही है टू प्लस वी वन को पैसिव कैसे करते हैं, देखिए यहाँ टू बी प्लस, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जूम करके लिखते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट, ये हमको याद रखना है, ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूं ये आपका शॉर्टली और ब्रीफली कह सकते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव का रूट है, ठीक है ना। इन शॉर्ट देखा जाए तो हमको इन्फिनिटिव पढ़ना है, यानी टू प्लस वी वन को पैसिव, टू बी प्लस वी थ्री, ये याद रखना है। तो ये सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और ये जो वर्ड्स है जो अर्थात नाउन इस्तेमाल किया हुआ है, इस तरह के आपको नाउन को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है आप वैसे ही मेंशन कर देंगे। और ये जो हमारे पास टू प्लस गिवन है, इसी को मैं बोल्ड लेटर कर देता हूं, और ये तो डिस्कस पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप यदि ये वाला वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होगी, खासकर ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप एक सर्च कर लेंगे पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, ठीक है, मैंने वहां पर आपको मिल जाएगा उसका जो बेसिक पैटर्न है, उसका स्ट्रक्चर्स, कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और उन सेंटेंसेस को पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको एक सेंटेंस के थ्रू क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे पास एक सेंटेंस रहेगा कॉमन, देयर इज समथिंग टू लर्न, भाई यहाँ पर कुछ है जिसे सिखा जा सकता है, टू लर्न, ठीक है।
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बनाइए जल्दी से. देयर इज समथिंग, और इसको जल्दी बनाइए. टू प्लस लर्न को कैसे कर सकते हैं, टू बी लर्न. क्लियर है? और सेंटेंस जो कॉमन से आपको दिए जाएंगे बुक्स में, जैसे आपको दिए रहेंगे, देयर इज नो टाइम टू प्ले. अब समय नहीं है खेलने का, अब गया. देयर इज नो टाइम फॉर लव. इसको क्या हम लोग करेंगे, क्योंकि अब 12 के विद्यार्थी हो तो अब आपको एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप पहले प्रिपेयर करो. खेलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑल ऑफ अस. उसके बिना हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. जरूरत है, बट फोकस करनी है फिलहाल पढ़ाई पे. तो क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं, देयर इज नो टाइम टू बी लेट. हमें नहीं लगता है कि आपको क्या है किसी तरह की इसमें सेंटेंस है. तो हम चाहेंगे अब कि आप खुद से इस पैटर्न पर बनाइए स्ट्रक्चर सेंटेंस का. देयर इज नो टाइम टू प्ले क्रिकेट. अब तो सेम सिमिलर हो गया, यही चीज आपने बोल रहा. नया बोलिए आप खुद से. अब एक ही सेंटेंस को क्यों, देयर इज नो टाइम टू लव अगर. देयर इज नो टाइम टू लव. क्यों? विदाउट लव द वर्ल्ड इज वैकेंट. व्हाट काइंड ऑफ लव यू आर डूइंग राइट नाउ, इट्स मैटर्स मच. आई हैव लव फॉर यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर. यू हैव लव फॉर मी, दैट्स यू आर सिटिंग हियर. सो द बॉन्ड ऑफ लव शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay, so there is no time to love. But maybe of various kinds. Yeah, there is no time for love. There is no time to love. Time for love, sir. Often these sentences are written on the yeah that board. Similar pattern. If the patterns will change, there will be another cases. Sir, but the two position you have used, yeah, there is four position used for love. There is no time for love. For love. For love. So how it can be the passive form? A girl for a girl. So how it can be done, the passive gentle? So I have not mentioned it. That's fine. ठीक है? So there is no time to be loved. Or to be loved क्या? कोई somebody हमारे पास hidden है. Clear है? जैसे there is no time to love a smoking sandwiches. There is no time of loving just eating food at outside. और एट लेट नाइट यू में से, क्योंकि अब हेल्थ आपका खराब हो सकता है. अब वो समय नहीं रहा कि आप बाहरी लेट खा सकते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल जो भी और है आपके पास, आप बोलिए फटाफट. चलिए सेंटेंस इसी पैटर्न से. देयर इज नथिंग टू से. या ये तो बढ़िया सेंटेंस है. देयर इज नथिंग टू से. देयर इज नथिंग टू से. अरे इस तरह के हमारे पास पैटर्न आ गए. ठीक है दोस्तों, ये तो आप बिल्कुल कॉपी कर सकते हो. क्या कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू बी सेड. देयर वाज नॉट टाइम टू लेबर. देयर सिमिलर सेंटेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी रहेगा. ठीक है ना, टू बी ये चीज रहेगा. देयर वाज टाइम टू लेबर. देयर इज टाइम टू लेबर. यह समय है, समय था जहां पर हम लोग लेबर करना चाहिए था. ठीक है, या हम लोग लेबर किया करते थे, या लेबर करने के लिए टाइम था. तो हम लोग क्या करेंगे, देयर वाज टाइम टू बी लेबर. और एग्जांपल्स है. चलिए, तो इस तरह का पैटर्न सिर्फ आपको जानना है, ज्यादा इससे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे. एक तरह के सेंटेंस और देखने को मिलता है कि आप, तो दोस्तों एक और कंडीशन है हमारे पास जो इट के कंडीशन है. तो एक सवाल हमारे पास ये है, यदि हमारे पास सेंटेंस रहेगा इट इज प्लस नाउन सब्जेक्ट प्लस नाउन जो सब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा, और उसके बाद ये हमारा इन्फिनिटिव है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम इस सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें. यहाँ पर अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है देयर और इट इज वाले में. तो दोस्तों देयर का हम प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं जब हमारा मैटर्स आगे क्या होता है, नन होता है. जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था कि देयर इज समथिंग टू लर्न. तो यानी देयर इज समथिंग टू लर्न मैंने जहाँ भी ये सेंटेंस को स्पीकर डिलीवर कर रहा है, वो जो कंडीशन है और परिस्थिति है, उससे जो भी उसके सामने जो भी ऑडियंस बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी वेल अवेयर है कि यानी कि जिस चीज को हम लोग कर रहे हैं, यदि इसमें तुम टाइम को दिया, आप टाइम को इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो समथिंग यू कैन गेट. तो वहां पर हम ऐसे मेंशन न करते हैं कि देयर इज समथिंग टू लर्न आगे कुछ और,
या इट इज देयर इज टाइम टू लर्न दिस टॉपिक, ठीक है ना। तो हम वहां पर ऑलरेडी जो टॉपिक जो ऑब्जेक्ट होता है वो नन होता है, इसलिए ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इन्फिनिटिव तक ही क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। लेकिन इट जो है हमारा, इट और देयर देखा जाए तो दोनों इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट का प्रयोग हम लोग वैसे स्थिति में करते हैं जब अगला टॉपिक को हम लोगों को क्या करना होता है, इम्फेसाइज करना। जैसे इट इज टाइम टू राइट अ लेटर, यानी टू राइट ए लेटर हम जो कर रहे हैं, समय लिखने का है, तो लिखने में क्या लेटर, यानी हमारा जो सेंटेंस का इम्फेसाइज जा रहा है, जो सेंटेंस इस पर जो सेंटेंस का डोमिनेंट पार्ट हो रहा है इन्फिनेटिव का, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी जो हम इन्फिनेटिव जो वर्क कर रहा है राइट करने का, वो हमारा डोमिनेंट होता है सेंटेंस में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, कि इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले इट इज जो नाउन है, और उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन, मे भी कभी कभी कंडीशन में चेंज हो सकता है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है, यही तुमको करना है एक्टिविटी। और टू प्लस बी वन को तो मैंने बता ही दिया कैसे पैसे किया जाता है, यानी टू बी प्लस बी डी टू। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो उम्मीद है आप बेटर समझोगे, ठीक है ना। सब क्लियर है ना, दिख रहा है? यस। आइए अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इट इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है। तो अब हमारा जो समय है वो समय क्या है जी, इंग्लिश सीखने का, यानी इंग्लिश लर्न जो करने की प्रक्रिया है, ये एकदम फोर्स है कि भाई जो समय है, इस समय में इंग्लिश नहीं सीखे तो यू विल फाइंड डिफिकल्टीज इन योर कैरियर, बिकॉज इन एवरी इंटरव्यू द इंटरव्यूअर मोस्ट ऑफन यूज द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, they can ask most probably in English. So if you don't have better knowledge about that subject English, you will be just rejected, you will never be the choice of the interviewer or the company of the work. So I'm telling it is time to learn English because of its important, means whatever the dominant part to learn, that is repetitive, and this becomes the dominant part. So that's why when we convert in the passive form we mention it is time, and this is time for what? To be learned English. No, yes. For English. It is time for English. And what? इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश को क्या किया जाना चाहिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्न्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और एग्जाम्पल आप बोलो, इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो सिंपली है, यानी कि प्ले करने की जो एक्टिविटी है वो कौन सा प्ले करेगा, एक एक्टिविटी वो क्रिकेट खेलेगा। yes. तो हम लोग जब चेंज करेंगे तो कैसे प्रायोरिटी करते हैं, इट इज नाउ टाइम, वो चीज वैसा ही रहेगा, it is now time, ठीक है। I am just time, और फिर क्या हो गया, as usual for, जैसा कि मैंने बताया था जो object है उसको मैंने समझते ही पहले, for cricket, और cricket को क्या किया जाना चाहिए, to be played। तो इस तरह के जितने भी patterns रहेंगे, चलो अब दो चार oral हम लोग देखते हैं। I like last one, okay till sir next subject for next examples, it is yes. Do you have more examples on that structure? Start to kisi ke paas bolo. It is time to take exercise. It is time to make your own decision. It is time for your own decision to be made. It is time to take an exercise. It is time for an exercise to be taken. It is time to give up a smoking. It is time for a smoking to be given up. It is time to cut your hair.
It is time for hair to be cut. ठीक है. It is time to join the English club. It is time for the English club to be joined. ठीक है. It is time to switch off the fan. It is time for the switch off. It is time for the fan to be switched off. It is time for the fan to be switched off. It is fine to what? To leave this place immediately. It is time for this place to be left immediately. It is time to have a cup of tea. It is time for a cup of tea to be taken. It is time to hit the ball fast, hard. It is time to hit the ball hard. It is time for the ball to hit hard. It is time to become a handsome man. It is time. Sorry. It is time to become a handsome boy. It is time for a boy to become handsome. It is time to marry a girl. It is time to marry a girl. It is time for a girl to be married. So similar copy the previous one. How to learn? ठीक है. सो दोस्तों ये आपने देखा कैसे आई थिंक आपने सिर्फ मैंने सेंटेंसेस बोला और आपने पैसिव बनाया एंड आई थिंक इफ दोस साउंड्स वर रिकॉर्डेड देन अदरवाइज दोस्तों जो आप जो भी मैंने सेंटेंसेस बोले और इन सारे सेंटेंसेस में किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें और आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों आज का रहा ये हमारा इंफिनिटिव पर आधारित ये वीडियो. उम्मीद करते हैं काफ़ी यूजफुल रही होगी, काफ़ी आपके लिए काफ़ी हम समझते हैं काफ़ी मायने में फायदे होंगे, हेल्पफुल होगी और आप इसको देखें और एंजॉय इट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग. थैंक यू.